आपने हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर बेस्ड कई मूवीज तो ऑलरेडी देखी होंगी जो सही में हमारे अंदर गूज़बम्प्स ला देती है। बट गेम्स के मामले में आर्मी या इंडियन वॉर्स में ना के बराबर गेम्स ही बने हैं। हाँ, फॉरेन की कॉल ऑफ ड्यूटी बैटलफील्ड गेम्स बहुत अच्छे हैं, बट वो यूएस या फिर वेस्टर्न वॉर्स को दिखाते हैं जहां हम उनके सोल्जर्स के पर्सपेक्टिव से कहानी जान के खेलते हैं। पर अब टाइम आ गया है कि हम अपनी वॉर्स की कहानी सुनाए गेम्स के थ्रू, जिसको सर्टेनली लीड करने वाला है 1971 इंडियन नेवल फ्रंट। ये गेम इंडिया में बन रहा एक नेवल वॉरफेयर गेम है और बहुत जल्द रिलीज भी होने वाला है। आज की वीडियो में इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, फ्रॉम गेम प्ले टू ग्राफिक्स टू रिलीज डेट एंड मोर। चलो इस वीडियो में और फीचर्स तो मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस गेम को विशलिस्ट नहीं किया स्टीम पर जाकर तो कर सकते हो, ताकि इसके सारे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे एंड इसकी रिलीज डेट का भी आपको सबसे पहले पता लग जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, गेम्स का उसी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। जैसे कि नाम से समझ सकते हैं, ये गेम इंडिया पाकिस्तान के बीच हुई 1971 वॉर पर बेस्ड है, जो बैटल स्टेशन स्पेसिफिक और वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप जैसे गेम से इंस्पायर्ड है। इसमें हम इंडियन नेवी के बहुत से एसेट्स को कमांड कर सकेंगे और उस समय में की गई कुछ एक्चुअल मिशंस की रिक्रिएशंस को प्ले करेंगे, जैसे कि ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पायथन, टेकिंग डाउन पीएनएस घासी एटसेट्रा। ट्रेलर को देखते हुए इसमें हमें बहुत सारे वैरायटीज के ऑब्जेक्टिव्स और व्हीकल्स मिलेंगे, जैसे फाइटर प्लेन्स, मैसिव शिप्स, सबमरीन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, कैनन, हेलीकॉप्टर्स एंड और भी बहुत कुछ। फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों मोड्स आने वाले हैं, जो व्हीकल्स या वेपन पर डिपेंड करेगा, जैसे कि एंटी एयरक्राफ्ट गन या फिर कैनन यूज करने पर फर्स्ट पर्सन की मदद लेनी होगी। लेकिन प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स में कॉकपिट भी देखने को मिलेगा और थर्ड पर्सन में भी हम स्विच कर सकते हैं। गेम को अनरियल इंजन 4 में बनाया गया है। इसमें हम ऑब्जेक्ट क्वालिटी, शेडोज, एक्सप्लोजन्स और सी वेव्स को देखकर पता लगा सकते हैं कि ग्राफिक्स पर ध्यान दिया गया है। मिशंस तो अभी भी सारे रिवील नहीं किए गए हैं। 2021 के अर्ली एक्सेस में हमें इमर्सिव गेम प्ले देखने को मिला, जिसमें एक ही मिशन में जरूरत पड़ने पर आप बहुत सारी चीजों में स्विच कर सकते हो, जैसे किसी ऑब्जेक्टिव को कम्प्लीट करने के लिए शिप को छोड़ के जेट या फिर वेपन्स को कंट्रोल करना। इनफैक्ट इसमें हमारे पास मॉर्स कोड यूज करने का ऑप्शन भी होगा, जिसमें शायद किसी डिक्शनरी की हेल्प से हम सीक्रेट कोड्स क्रैक कर पाएंगे। हर मिशन में कटसीन्स और प्रोफेशनल वॉइस ओवर्स डाले गए हैं। ये तो समझ आ ही रहा होगा कि गेम अगर नेवी पर बेस्ड है, मतलब हमारे चारों तरफ समंदर ही होने वाला है। फुटेज को देखते हुए लगता है कि बहुत से आइलैंड्स तो होंगे ही एक्सप्लोर करने को, जिसमें एनिमीज को सर्च करके डिफीट करना होगा। गेम में मल्टीप्लेयर भी आने वाला है, जिसमें हम पीवीपी का मजा ले पाएंगे। इसमें चार मोड्स होने वाले हैं, जैसे कि एयर टू एयर, एयर टू सी, पोर्ट कैप्चर एंड टीम डेथ मैच। एयर टू एयर का मतलब हो गया फाइटर प्लेन्स वर्सेस फाइटर प्लेन्स, एयर टू सी का मतलब हो गया फाइटर प्लेन्स वर्सेस शिप्स, सबमरीन्स या फिर बोट्स। या हो सकता है दोनों के पास अपने अपने टारगेट्स होंगे और जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर करेगा वो विनर होगा। फिर पोर्ट कैप्चर यानी दोनों टीम्स को एक दूसरे के पोर्ट्स पर अटैक करना होगा, और टीम डेथ मैच तो हर कोई जानता ही है, यानी टीम्स वर्सेस टीम्स। जब आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो जहां आपको रियल लाइफ इवेंट्स को दिखाना है, तब एक्यूरेसी का काफी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत से बड़े बड़े डेवलपर्स भी गलतियां कर देते हैं, लेकिन न्यू स्फीयर इंटरैक्टिव जो नेवल फ्रंट के डेवलपर हैं, उन्होंने काफी अच्छे से रिसर्च की है। ओवर 40 प्लस ऑथेंटिक नेवल वेसल्स, जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड वेपन्स एड किए गए हैं, जिसमें एक्यूरेट ब्लूप्रिंट्स, टेक्सचर्स और पेनेंट नंबर्स फीचर्ड है। कुछ एग्जांपल्स के लिए ट्रेलर में हम एक हेलीकॉप्टर देख सकते हैं जो रियल लाइफ हेलीकॉप्टर पे बेस्ड है, जिसका नाम है सी किंग। फिर सी हॉक नाम का फाइटर जेट, उसके बाद हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, INS कृपान, बफर्स की गन और ऐसी बहुत सी चीजें हैं गेम में जो कि एक्चुअल वॉर में यूज हुई थी। शूटिंग मैकेनिक्स पर भी काफी ध्यान दिया गया। गाइडेड मिसाइल्स को सही से यूज करने के लिए हम रडार के थ्रू टारगेट्स मार्क कर सकते हैं, वरना मैनुअली करने पर टारगेट मिस होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। गेम की एग्जैक्ट रिलीज डेट अभी नहीं दी गई है, पर Q3 2022 यानी कि 2022 के जुलाई से सितंबर के बीच में इसकी लॉन्च प्लान की गई है। प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इसे अभी तो पीसी के लिए रिलीज किया जाएगा एंड आप स्टीम और एपिक गेम्स जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके इसको खेल पाओगे। इवन स्टीम पे तो इसको विशलिस्ट भी कर सकते हो, ताकि जब गेम आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया है, जहां जाकर इस गेम को जरूर से विशलिस्ट कर लेना। लेट्स सपोर्ट आवर इंडियन डेवलपर्स। जैसा मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है, गेम के साथ साथ डेवलपर्स के बारे में जानना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। न्यू स्फीयर इंटरैक्टिव एक स्टार्टअप है, जिसके पास बहुत बड़ी टीम नहीं है काम करने के लिए। शायद यही कारण है कि इस गेम का 2017 में जहां पहला टीजर आया था, उसके 5 साल बाद 2022 में इसे रिलीज किया जाना है। लेकिन अगर लेटेस्ट ट्रेलर को पुराने से कंपेयर किया जाए तो काफी चेंजेस हुए हैं, जिसके कारण ग्राफिक्स और इफेक्ट्स में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अटेंशन टू डिटेल और एक्यूरेसी पर भी सही काम इसलिए हो पाया है क्योंकि डेवलपर्स ने एक्चुअली में इंडियन नेवी के वेटरन ऑफिसर के एडवाइस पर चीजें ऐड की हैं, जिससे ऑथेंटिसिटी पर सवाल नहीं उठेगा। वैसे ये अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, रिलीज के बाद ये फाइनल क्वालिटी पता चलेगी। एडिशनल डिटेल्स धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं, बट गुड न्यूज यही है कि स्टार्टिंग के बाद इसके क्वालिटी और फीचर्स में सिर्फ एडिशन ही हुए हैं, ना कि कॉम्प्रोमाइज। अपने लिए ये भी बड़ी बात है कि हमारे पुराने मिलिट्री विक्ट्रीज पर भी कोई गेम बनाया जा रहा है जो हमें प्राउड फील कराएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से स्टीम पर विशलिस्ट जरूर कीजिएगा इसे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो और गेम्स गॉसिप इंडिया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए।